बच्चों, कैसा हाल है आपका? क्या हाल है? ठीक है, आशा करती हूँ आप ठीक ठाक ही होंगे। अभी मैं ये आपको व्याकरण का करवाऊंगी। ये वाली बुक है हिंदी, गुलमोहर हिंदी व्याकरण, क्लास 1। ओपन करो लेसन 2, ठीक है, पेज नंबर 11, 1111 ओपन कर लिया। अब हम इसको करेंगे। लेसन का क्या नाम है? हमारी वर्णमाला स्वर वर्ण। स्वर तो आपको पता ही क्या होते हैं, अ आ इ ई उ, है ना, री ऋषि ए ए ओ ओ और, ठीक है। अभी ये मैं रीड कर रही हूँ और आपको समझा रही हूँ, ठीक है। ये देखो बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र में रोहन के मुंह से कुछ शब्द निकल रहे हैं। ये शब्द अलग अलग ध्वनियों के मेल से बनते हैं, जैसे अम अ प्लस म प्लस अ प्लस र प्लस अ, अमर, ठीक है। अब जैसे अ आ अ आ अ क्या है? स्वर है, अ साउंड है, ठीक है। हम बोलते हैं ना, जैसे कैसे र बिना मात्रा वाला बोलते हैं, र तो पीछे अ की साउंड आ रही है ना, अ की आवाज़ आ रही है, वैसे ही है ये अ। जैसे अमर बोल रहा है, वो अमर, तो पीछे अ की आवाज़ आ रही है ना, अ, है ना, म र, लास्ट में अ की आवाज़ आती है, वो होती है स्वर, ठीक है। अब ये देखो, आ आ आ आ की मात्रा, जब आ की मात्रा बोलते हैं तो हमारा मुंह खुलता है ना। आ ओ में मुंह गोल हो जाता है, ओ आओ। इन ध्वनियों को लिखकर दिखाने के लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं, इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अ म आ आदि अलग अलग ध्वनियों के लिए बनाए गए वर्ण हैं। हमारी वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। जो वर्ण है कितने प्रकार के होते हैं? स्वर और व्यंजन, दो प्रकार के होते हैं वर्ण। ऐसे समझा रही हूँ मैं आपको, स्वर और व्यंजन। स्वर में आपको पता है क्या क्या होता है? अ आ इ ई उ, ठीक है, और व्यंजन में क ख ग होता है, ठीक है। ये देखो, ये है स्वर व्यंजन, ठीक है। जो स्वर है वो कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। 11 वर्ण होते हैं स्वर में, ठीक है। कौन कौन से? अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋषि ये ए ओ ओ औ और, ठीक है, ओ ओ, ठीक है। ये होते हैं स्वर। स्वर मतलब जो हम आवाज़ होती है ना, उस साउंड, उसको कहते हैं हम स्वर। अब इसको एक्सरसाइज में कैसे करना है ये देखो। देखो स्वरों को पूरा करना आपने, आपको स्वर तो आते ही होंगे, बस इसको फील कर देना आपने। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋषि ये ए ओ औ और, ठीक है। अब यहाँ क्या किया दिखा हुआ? दिए गए चित्रों के नीचे उसके नाम का पहला वर्ण लिखिए। उसके नाम का पहला वर्ण आपने लिखना है, ठीक है। जैसे ये पिक्चर क्या है? ओ अनार, ओ अनार, अ से अनार हो गया ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे? ओ। ये क्या है? एक ए लिख दिया, ठीक है। ये क्या है? उल्लू, ऊ की साउंड आई ना पहले, ये देखो ऊ लिख दिया। आओ औरत, तो आओ लिखा था, ओ ओ औरत हो गया ना, ओ लिख दिया। री ऋषि, तो री लिख दिया। ऐसे लिखना है अपने सारा, ठीक है। और ये देखो बच्चों, दशम में स्वरों को गलत क्रम में लिख दिया गया है। आप स्वरों को सही क्रम में लिखकर दशम की सहायता कीजिए। अब इस लड़के का नाम दशम है, इसने क्या किया? ये सारे गलत लिख दिए स्वर, आगे पीछे लिख दिए। आपको इसको ठीक करके लिखनी है, ठीक है, इसी को सीधे करके लिखनी है, वो तो आपको आता ही है। अ आ इ ई उ ऋ ऋषि ए ए ओ ओ, ठीक है। ये ऐसे लिखना है आपने, बस इसमें यही करना है आपने, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये देखो लेसन नंबर 3, देखो पार्ट 3 देखो। इसमें भी आप डेट डाल लोगे, कितनी डेट है आज? 3 मई 2021, और वार क्या है? सोम वार,
ठीक है। देखिए, पढ़िए और समझिए। आप स्वर वर्णों के विषय में जान चुके हैं, आइए अब व्यंजन वर्णों के बारे में जानते हैं। स्वर के बारे में तो आपको पता ही है, अ आ होता है, और व्यंजन भी आपको पता है क्या होते हैं, क ख घ, ये सब व्यंजन होते हैं। ठीक है, हिंदी की वर्णमाला में 35 व्यंजन वर्ण होते हैं जो हिंदी को संस्कृत से प्राप्त हुए हैं। जो हिंदी के व्यंजन है वो कितने होते हैं? 35 होते हैं। स्वर मैंने कितने बताए थे? स्वर 11 होते हैं, है ना। स्वर में 11 वर्ण होते हैं और व्यंजन में 35। ठीक है, अब जैसे ये है, आपको ये जैसे पढ़ने के लिए इनको हम पढ़ना तो आपको आते ही होंगे व्यंजन, आपने पहले भी पढ़े होंगे केजी में। क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, ग घड़ी, च चम्मच, छ छतरी, ज जहाज, झ झंडा, ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड ढमरू, ढ ढोलक, ये आपको आता होगा। ठीक है, और इसमें जो विसर्ग है ना वो इसको बोलते हैं, जिसके पीछे दो बिंदी लगी होती है ना उसको विसर्ग बोलते हैं, और अनुस्वार किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर बिंदी लगती है, जिसमें अंग अंग अंगूर का आता है, अ खाली की साउंड आती है। ठीक है, अब आगे ये वाले जो है ना, ये क्या लिखा हुआ है? मौखिक, ये आप मुंह से बोलते हो। ठीक है, ये आवाज़ आपकी मुंह से निकलती है। ठीक है, और ये क्या है? नासिक्य, नासिक्य मतलब आप बोलते हो तो ये नाक से साउंड आती है, नाक से आवाज़ आती है, आप बोल के देखना। अंग अंगूर, देखो आई ना नाक से आवाज़, जैसे न खाली, ये भी नाक से आवाज़ आई, न खाली, ये भी नाक से साउंड आई, ण खाली, ये भी नाक से आ रही है, न नल, ये भी नाक से आ रही है, म माँ, है ना, माँ मछली, ये भी नाक से आ रही है ना, और ये सब मुंह से आती है। क ख ग घ च झ झ झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ य र ल व श स स ह। देखो सारी मुंह से आई ना आवाज़, और ये नाक से आती है, इसको हम कहते हैं नासिक्य। ठीक है, अब देखो दो तरह की व्यंजन ध्वनियाँ, व्यंजन ध्वनियाँ दो तरह की होती है, मैंने अभी आपको समझाया। मौखिक व्यंजन जो मुंह से आवाज़ आती है, ठीक है, को बोलते समय वायु केवल मुंह से ही बाहर निकलती है, मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि मुंह से ही आवाज़ निकलती है। और नासिक्य व्यंजन वो होती है कि जो मुंह के साथ साथ नाक से भी, जो नाक से भी आवाज़ आती है ना, उसको हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, और इसको हम कहते हैं अनुस्वार, जो ऊपर बिंदी होती है इसको कहते हैं हम अनुस्वार, और जो ये दो बिंदियाँ होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? विसर्ग। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाते हैं ये देखो, चंदन ऊपर बिंदी आ गई ना, आया, गुंजन ऊपर बिंदी आ गई, संग ऊपर बिंदी आ गया, दोनों यहाँ की, और ये देखो प्रातः है ना, अह खाली साउंड आ रही है ना, प्रातः दो बिंदी वाला, ये भी सर। ठीक है, इसका एक्सरसाइज क्या करनी है, ये आपने फिल करना, पूरा व्यंजन भरना है, व्यंजन लिखना है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, चित्र देखकर उसके नाम का पहला वर्ण लिखिए, जिनमें रंग नहीं है उसमें रंग भी भरिए, और जिनमें रंग नहीं है उसमें आपने रंग भी भरना है, कलर भी करना है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये क्या है? शेर है ना, शो शेर, तो शो आ गया यहाँ पे। ये क्या है? घ घड़ी, तो घ आ गया। ये क्या है? क कबूतर, तो यहाँ क आ गया। ठीक है, अब जैसे ये क्या है? ग गुलाब, तो यहाँ ग आ गया। प पेड़, प पेड़ आ गया, प पहले आ गया ना, ल लट्टू, ल आ गया, पहला अक्षर आ गया जो हम बोलते हैं। अब अनुस्वार और विसर्ग मैंने आपको बताया है, अनुस्वार होता है जो ऊपर बिंदी होती है, और विसर्ग जो पीछे बिंदी होती है, इसको हम अ खाली वाली पीछे बिंदी होती है। अब आपको यहाँ अक्षर दिए होंगे, आपको जो ऊपर बिंदी वाले अक्षर है यहाँ लिखने हैं, और जो पीछे बिंदी है विसर्ग है उसको यहाँ लिखना है। ये देखो आपको दिए होंगे, ये देख के आपने फिल कर देना है, मैं आपको उसकी पिक्चर भी क्लिक कर दूंगी, आपने ये बुक में भरना है, आज का यही काम है। ठीक है, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।